नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ऐसे एसएससी सीजीएल में, स्टेट पीसीएस में, इवन यूपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ आपको सब्जेक्ट दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये यूनियन लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट में है कि कॉन्करेंट में। मतलब कि अगर कोई यूनियन लिस्ट में है तो उसका मतलब है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर अगर काउंसिल है तो दोनों मिलकर लॉ बना सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट में आपको यूनियन और स्टेट दोनों के पास राइट रहता है कि लॉ बना सकती हैं। तो ये आजकल एसएससी सीजीएल में भी पूछ रहे हैं, इसलिए इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लस आने वाले स्टेट पीसीएस और प्लस यूपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसमें मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट भी कर रखी हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ये समरी भी दी हुई है। ये किसी ने मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही शेयर की थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने उनकी पहले आप एक बार ये देख लीजिए और फिर उसके बाद एक एक चीज़ हम करेंगे डिटेल में। देखिए, यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी मेजर चीज़ें, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस भी रखना है इसमें कि जो भी चीज़ें टोटल इंडिया की सोवरेनिटी को अगर अफेक्ट करने वाली होंगी या फिर टोटल इंडिया को इफेक्ट करेंगी, पूरे इंडिया को, तो वो यूनियन लिस्ट में ही आएंगी। जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस यूनियन लिस्ट में है, एटॉमिक एनर्जी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये इसके जितने भी प्रोविजंस हैं ये सब यूनियन लिस्ट में ही है। सेंसस है क्योंकि वो पूरे इंडिया का होता है तो वो यूनियन लिस्ट में है। रेलवे भी यूनियन लिस्ट में है, शिपिंग एंड नेविगेशन रेल ये यूनियन लिस्ट में है, एयरवेज है रेलवे ये यूनियन लिस्ट में, बैंकिंग है यूनियन लिस्ट में, इंश्योरेंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है और कॉरपोरेशन टैक्स है, ये सब यूनियन लिस्ट में है। इवन जो CBI है, जैसे आज क्वेश्चन आया था, ये भी यूनियन लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में अगर आप देखें तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर होता है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और एग्रीकल्चर की इनकम होती है। और एग्रीकल्चर का अभी बताऊंगा लास्ट में, एक और प्रोविज़न कॉन्करेंट में भी एक चीज़ है, वाटर एंड इरिगेशन, ये स्टेट लिस्ट में, लैंड है और ये ट्रेड टैक्स है, सेल्स टैक्स है। कॉन्करेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रेड यूनियन है, एडुकेशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग है ये, और फॉरेस्ट है। ये कॉन्करेंट में है, मतलब इस पर दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। मैरिज एंड डिवोर्स है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स है। अब देखिए, यूनियन लिस्ट का पहले 100 हैं इस समय इसमें सब्जेक्ट, 100 के 100 तो याद नहीं रख सकते हैं लेकिन एक बार देख लीजिए तो कम से कम, अगर आपने एक बार देखा होगा वीडियो तो आपको शायद याद आ जाए, चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 97 ओरिजिनली थे, 3 बढ़ा दिए गए हैं, कुछ घटाए भी गए हैं, ओवरऑल इस समय मतलब 100 है लेकिन जो नंबरिंग है वो 97 ही है यूनियन लिस्ट में। 7 शेड्यूल में आती हैं ये तीनों लिस्ट। मेजर मेजर चीज़ें देख लीजिए, अभी मैं बता भी चुका हूँ ऐसे। देखिए, डिफेंस आएगा यूनियन लिस्ट में, ठीक है, नेवल और मिलिट्री और एयरफोर्स ये सब आएंगी यूनियन लिस्ट में। डिप्लॉयमेंट इसका जो होगा ये भी इसी में आएगा। अब देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट है वैसे तो वो स्टेट लिस्ट में आती है लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैंटोनमेंट वाले एरिया में वो आएगी यूनियन लिस्ट में, ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ। और इनके जो नेवल मिलिट्री एयरफोर्स के वर्क्स आएंगे इसमें, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, कुछ इंडस्ट्रीज पार्लियामेंट ऐसी बता देंगी कि वो यूनियन लिस्ट के लिए तो वो इसी में आएंगी, जो प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर और इन सब से रिलेटेड है। CBI देखिए यूनियन लिस्ट में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो किया जाएगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब के लिए तो यूनियन लिस्ट ही है। तो डिप्लोमेटिक कंसुलर जो ये सब है, UNO के जो रिलेशंस हैं वो सब यूनियन लिस्ट में है, आपके ट्रीटीज साइन होती हैं वो भी यूनियन लिस्ट में है, वॉर, पीस, सिटीजन, एक्सट्रेडिशन, ये सब पूरे इंडिया से मतलब जिसका कंसर्न होगा वो सब यूनियन लिस्ट में है। अब जैसे इमिग्रेशन, एक्सपेंशन या फिर पासपोर्ट, वीज़ा, सब यूनियन लिस्ट में आएगा। पिलग्रिमेज आएगा, रेलवे आएगा यूनियन लिस्ट में, इवन जो हाई सी वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे पायरेसी ये सब आएगा, हाईवेज आएंगे और प्लस पार्लियामेंट जो नेशनल हाईवेज को डिक्लेयर कर देगी वो आएगा, शिपिंग एंड नेविगेशन आएगा, मैरी टाइम आएंगे, प्लस ये इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें तो कुछ पोर्ट्स को ये कर दिया जाएगा यूनियन लिस्ट के लिए, वो भी आएंगे इसमें पोर्ट्स की, हालांकि और भी लिस्ट में है ये। उसके बाद अगर आप देखें इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक डेट जो होता है यूनियन का वो भी आएगा, पोस्ट और टेलीग्राफ भी यूनियन लिस्ट में आएंगे, करेंसी, क्वाइनेज और ये जो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज वाला है ये सब यूनियन लिस्ट में आएगा, फॉरेन लोन्स आएंगे यूनियन लिस्ट में, RBI यूनियन लिस्ट में आएगा, RBI पूरे इंडिया के लिए है क्योंकि, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी इसी में आएगा। देखिए, कुछ लॉटरीज होती हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट वाली होती हैं लेकिन कुछ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली हैं तो वो इसमें आएंगी। ट्रेड और कॉमर्स जो फॉरेन कंट्रीज के साथ किया जाएगा वो भी यूनियन लिस्ट में आएगा।
फिर इसमें अगर आप देखें इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है वो भी इसमें आएगा। देखिए इस लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं इसमें जो टैक्सेस हैं वो भी इसी लिस्ट में आएंगे। फिर बैंकिंग आप देखिए तो यूनियन लिस्ट में आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ फ्यूचर मार्केट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड मार्केट, ये जो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर के ये सब चीज़ें। और इसमें अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें और आप देखें इसमें तो जैसे कि ये लेबर सेफ्टी माइंस और ऑयल फील्ड में हो गया, प्लस इसमें कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे उस जिस टाइम किए गए थे वो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम हो गया, विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, प्लस कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि BHU हो गया, AMU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे थे ये सब आएंगे। ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस के ये इंस्टीट्यूट हैं इसीलिए, या फिर यूनिवर्सिटी हैं, ये यूनियन लिस्ट में आएंगे इसीलिए। और इसके अलावा देखिए सेंसस भी यूनियन लिस्ट में आएगा, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल, बॉटनिकल, जूलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, UPSC, इलेक्शन जो पार्लियामेंट के होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, ये सब यूनियन लिस्ट में आएगा। सैलरी अलाउंस होते हैं जो MP के और प्लस राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, लोकसभा के जो पावर ऑफ प्रिविलेजेस होती हैं जितनी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, वो सब इसमें आएंगी। इमोलुमेंट्स जो होते हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गया और प्लस मिनिस्टर हो गया यूनियन के लिए, CAG हो गया, ऑडिट जो अकाउंट होता है सब कुछ इसी में आएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब इसमें आएगा यूनियन लिस्ट में। और इवन जो हाई कोर्ट वाला आएगा वो भी यूनियन लिस्ट में ही आएगा। उसके बाद अगर एक्सटेंशन करना है किसी ज्यूरिसडिक्शन का हाई कोर्ट की तो वो भी इस लिस्ट में आएगा, पार्लियामेंट कर सकती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, कस्टम्स वाली जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं ये भी इसमें आएगा। देखिए एग्रीकल्चर इनकम तो आएगी स्टेट में, लेकिन जो टैक्सेस होंगे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है वो आएंगे यूनियन में, तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ये सब मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। फिर लास्ट में देखिए ये लिखा हुआ है कि जितने भी जो मैटर ऐसे हैं जो लिस्ट टू और थ्री मतलब कि स्टेट लिस्ट और ये करंट लिस्ट में नहीं है, वो भी वो रेसिड्यूअल जो मैटर हो गए जितने भी, वो भी उस पर किसका हक होता है, पार्लियामेंट का लॉ बनाने का, और वो किस लिस्ट में दिए गए हैं, इसीलिए यूनियन लिस्ट में। इसीलिए देखिए रेसिड्यूअल जो पावर दी गई प्रोविजंस हैं जितने भी, आर्टिकल 248 में दिया गया और एंट्री है इसमें 97 यूनियन लिस्ट में, तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। इतने सब्जेक्ट आएंगे, अब एक बार कंकरेंट का देख लें जिसपे जो दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं लिस्ट, ये आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये इसमें 52 इस समय आइटम है, ओरिजिनली 47 थे, नंबर अभी भी 47 है, उसमें AB करके जोड़ दिया गया है। तो ये कॉन्करेंट में कौन कौन सा है, क्रिमिनल लॉ है जो IPC वाले, क्रिमिनल प्रोसीजर है जो CRPC वाले इसमें, लेकिन ये जो जैसे नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स और जो आर्म फोर्सेज वो एक्सक्लूडेड है, ये आप याद रखिएगा इसमें। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि जैसे किसी रीजन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है या फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है। उसके बाद मैरिज और डिवोर्स, ये कॉन्करेंट में आएगा, इस पर स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये भी आएगा कॉन्करेंट पे। बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी आएगा, प्लस इसमें जो अदर कोर्ट्स होते हैं बाकी सभी कोर्ट और एक्सेप्ट सुप्रीम और हाई कोर्ट, क्योंकि ये दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब यूनियन लिस्ट में है, वो सब इसमें आएगा। सिविल प्रोसीजर और प्लस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, और प्लस इसमें जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स आएगा, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, फॉरेस्ट आएगा इसमें। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स आएगा कॉन्करेंट में। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग आएगा कॉन्करेंट में, दोनों गवर्नमेंट कर सकती है। पॉपुलेशन कंट्रोल और प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग आएगा कॉन्करेंट में, ये आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग पहले स्टेट में था, फिर इसको हटा के इसमें डाल दिया गया था। फिर इसमें कुछ और है, ट्रेड यूनियन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, लेबर डिस्प्यूट हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन हो गया। एजुकेशन आएगा किसमें, कॉन्करेंट में आएगा। चैरिटी आएंगे, पोर्ट्स जो कि मतलब पार्लियामेंट ने नहीं डिक्लेयर किए हैं वो जो वो इसमें आएंगे, पोर्ट्स अदर देन दोज डिक्लेयर्ड बाई और अंडर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, तो वो वाले इसमें आएंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से आएंगे, मैकेनिकली प्रॉपर्ड व्हीकल, देखिए इलेक्ट्रिसिटी किस में आएगी, कॉन्करेंट में, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट में। न्यूज़पेपर ये सब कॉन्करेंट में। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो भी हैं
वो जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाली नहीं है वो इसमें कॉन्करेंट में आएंगी। तो ये सब चीज़ें हो गई कॉन्करेंट में। एक चीज़ में आप और याद रखिए कि जो पांच ही सब्जेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको पांच को स्टेट से लिस्ट से कॉन्करेंट में कर दिया गया था। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है। वेट्स एंड मेजर कॉन्करेंट लिस्ट में है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉरी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग वाला, ये कॉन्करेंट में है। तो ये वाला आप याद रखिएगा, इसमें ये नहीं, स्टेट्स में नहीं किया गया था ये। फिर स्टेट वाली अगर आप देखें तो स्टेट में एक समय 61 है, ओरिजिनली 66 थी, मतलब पाँच कम कर दी गई हैं। स्टेट में बेसिकली फोकस होता है पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का, जितनी भी है इंक्लूडिंग रेलवे पुलिस भी इसी में आती है। जो ऑफिस और सर्वेंट होते हैं, हाई कोर्ट के और भी ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। प्रिजन, जो जेल, ये प्रिजन्स होते हैं, और प्लस ये लोकल गवर्नमेंट वाला जितना भी है, जो जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ये सब इसमें आएंगी। लेकिन जो कैंटोनमेंट वाली है वो यूनियन लिस्ट में जाएगी, मैंने शुरू में बताया था। पब्लिक हेल्थ ये स्टेट लिस्ट में आएगा। पिलग्रिमेज वाला जो है, जो इंडिया से बाहर के लोग, ये देखिए अदर देन पिलग्रिमेज टू प्लेसेज आउटसाइड इंडिया, तो वो वाले आएंगे स्टेट में। फिर उसके बाद आएगा जैसे कि ब्यूरियल और ब्यूरियल ग्राउंड हो गए, जो क्रीमेशन, जहाँ पे जो दफनाए जाते हैं, शव दाह गृह जो होते हैं वो, लाइब्रेरीज और म्यूजियम जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले नहीं, वो भी इसमें आएंगे। एजुकेशन को हटा दिया गया था इस लिस्ट से। एग्रीकल्चर वाली जो इनकम है उसमें आएगी, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद पॉन्ड्स आएंगे इसमें, वाटर, वाटर इसमें आएगा, ये आप ठीक है याद रखिएगा। वाटर किस में है, स्टेट लिस्ट में है ये। तो वाटर में जो वाटर सप्लाई, इरीगेशन और कैनल्स हैं, सब स्टेट लिस्ट में है। लैंड वाले जो राइट्स हैं, ये लैंड वाले जितने, ये स्टेट लिस्ट में है। कुछ इसमें चीज़ें और, हालांकि जो है उसमें सेंटर भी लॉ बना सकता है। तो ये जो फिशरीज है, ये स्टेट लिस्ट में है। गैस वर्क्स हैं, मार्केट हैं, बेटिंग गैम्बलिंग देखिए स्टेट लिस्ट में है। बहुत एग्जॉस्टिव है, मतलब एग्जाम सब चीज़ें याद नहीं रखी जा सकती, लेकिन एक बार देख लीजिए इसमें। अभी अभी मैंने भी ये बनाई है, तो इसलिए एग्जैक्टली मैं बहुत बार इसको नहीं पढ़ पाया हूँ, तो इसीलिए मैं भी आपके साथ ये बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। जो इलेक्शंस होंगे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के लिए, वो सब इसमें आएंगे। तो जो मतलब स्टेट असेंबली के जो लोकल इलेक्शन होंगे वो इसमें आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं, वो तो यूनियन में आएंगे। जैसे ये जो ये पंचायत वाले और वो सब इलेक्शन, जो सैलरीज होंगी, अलाउंसेज होंगे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, वो सब इसमें आएंगे। प्लस स्टेट पेंशन, पब्लिक डेट जो होगा स्टेट का, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिए। टैक्स जो एग्रीकल्चर इनकम पे होगा वो इस पे आएगा, और स्टेट ड्यूटी जो लगेगी एग्रीकल्चर लैंड पे, वो इस पे आएगी स्टेट लिस्ट में। और जो अल्कोहलिक लिक्वर होता है, जो मतलब दारू पीने वाली होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट उस पे लॉ लगाती है, ओपीएम, अफीम, ये सब पे। और जो टैक्सेस होंगे कंजम्पशन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इस पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किस पे आएगा, वो जाएगा अपना कॉन्करेंट में। अभी हमने देखा था, ये देख लीजिए इसमें एक बार फिर से, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है इसमें जाएगा वो। इलेक्ट्रिसिटी देखिए यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, लेकिन जो उस पर टैक्सेस वाला वो लगेगा, वो इसमें स्टेट में जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ये एग्जॉस्टिव जरूर है, लेकिन आपको देखनी पड़ेगी एक बार। ये देखिए जो कंजम्पशन पे लगेगा टैक्स, वो हो जाएगा स्टेट में। टोल वाली चीज़ें हैं, वो सब इसमें जाएंगी स्टेट में। प्लस इसमें और भी जितने इस लिस्ट में हैं, उन सब पर टैक्स लगा सकता है, वो सब जाएगा। मतलब कि लैंड जो है ये स्टेट लिस्ट में है, लेकिन जो एक्विजिशन एंड रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये आता है कॉन्करेंट में। तो इसीलिए जो लैंड अमेंडमेंट वाला बिल बनाया था अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, इसीलिए लैंड वाला चीज़ आप याद रखिएगा। वाटर किस में आता है, स्टेट में। तो ये एक बार याद रख लिए। इलेक्ट्रिसिटी किस में आता है, कॉन्करेंट में। मैरिज वाला किस में आएगा, वो कॉन्करेंट में आएगा। एजुकेशन किस में आएगा, कॉन्करेंट में आएगा। फॉरेस्ट आएगा कॉन्करेंट में। वेट्स एंड मेजर आएगा कॉन्करेंट में। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड आएगा, और ये सब चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब कॉन्करेंट में आएगा। और बेसिकली जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या है, फॉरेन हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं जितनी भी, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, सेंसस, सीबीआई, रेलवे, एयरवेज, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब आएगा यूनियन लिस्ट में। आप एक बार देख लीजिएगा इसको।
ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में पब्लिश कर दी है, अपलोड कर दी है। हालांकि सब चीज़ें याद नहीं रह सकती। बेटिंग एंड गैम्बलिंग किस में आएगा, वो स्टेट वाले में आएगा। एक बार देख लीजिए, जितना आपको याद रह पाए अच्छी बात है, वरना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।